नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन सोमवार के व्रत, पूजन और नियम बताने वाले हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन माह को सबसे पावन माह माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की तरफ आते हैं। इस माह में सोमवार भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय दिवस होता है। सावन में सृष्टि अपनी कृपा बरसाती है और यह महीना सभी जीवों के लिए कल्याणकारी माना गया है। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार तीन प्रकार के सोमवार व्रत होते हैं, जैसे सामान्य सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत और सावन सोमवार व्रत। इन तीनों सोमवार के व्रतों की विधि पूजन, व्रत, उद्यापन और दान एक समान रहती है। दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो यह व्रत सावन सोमवार से आरंभ कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, कोई भी व्रत अगर आप आरंभ करते हैं तो इस व्रत को सावन के महीने से शुरू करें, जिससे इसका फल अनंत हो। ऐसी मान्यता है कि माता सती ने सावन माह में ही कठोर तप करके भगवान भोलेनाथ को हर जन्म में अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। सोमवार के व्रत को कोई भी कर सकता है। अविवाहित कन्या, सुंदर वर और संपन्न घर पाने के लिए यह व्रत करती हैं, और विवाहित स्त्री अपने लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। पुरुष इस व्रत को सुखी और शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए करते हैं। दोस्तों, व्रत और पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इसका पूर्ण फल पाने के लिए व्रत के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। सावन के सोमवार व्रत में सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे, इस दिन काले वस्त्र धारण नहीं करने हैं। इसके बाद मन में व्रत का संकल्प लें कि आज मैं सोमवार का व्रत करूंगी और भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगी। इस व्रत में दिन में केवल एक समय अन्न ग्रहण करना है। सायंकाल में सूर्यास्त के बाद भोजन करें। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान संपन्न करना होता है, अन्यथा व्रत करने का कोई औचित्य नहीं है। पूजन के लिए पूजा की थाली लें, जिसमें रोली चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, कपूर, धूप बत्ती, बीलपत्र, धतूरा, शहद, कच्चा दूध, भस्म और चंदन, यह सभी सामग्री रख लें। और साथ ही दूध से बनी मिठाई भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं। और ध्यान रहे, भगवान भोलेनाथ को लाल पुष्प नहीं चढ़ाना है। इसकी जगह आप नीले या सफेद पुष्प चढ़ा सकते हैं, और साथ में गंगा जल अवश्य रखें। इसके बिना पूजा अधूरी है। इन वस्तुओं के साथ आप शिवलिंग की पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोस्तों, यह पूजा आप हर सोमवार को निर्धारित समय पर ही करें। दोस्तों, साथ ही साथ ऐसी मान्यता भी है कि व्रती इस माह में यदि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर दे तो उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर भेजें।